जनता समाजवादी पार्टी फूटक संघार में पहुंचल छे। पार्टी के आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पहुंचला बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ संघीय परिषद अध्यक्ष समानांतर रूप में अलगे अलग केंद्रीय विस्तारित बैठक कयने छे। यादव पक्षीय बैठक बीरगंज आ भट्टराय पक्षीय बैठक काठमांडू में बैसल छे। यादव पक्षीय बैठक में अध्यक्ष यादव डॉक्टर भट्टराय ऊपर विभिन्न आरोप सब लगवैत काठमांडू के बैठक के अवैध करार देने छे। बीरगंज में जारी विस्तारित बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष यादव कहलन जे न्यूनतम राजनीतिक संस्कार नहीं भेल गुटक जमघट काठमांडू में भ रहल छे। और केति माने पछी डाक्टर साहब ने आफ्नो बाटो लाग्ने गर्नु अब विधि सम्मत कुरा गर्नुहुन्छ। कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेको बैठक त यहाँ छ नि, डाक्टर साहब त यहाँ आउनु पर्ने हो नि। त्यहाँ कसले निर्णय गर्यो? बैठक बोलाउने अधिकार विधानले कसलाई दिएको छ? कसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने? भाइभरका अलिकति भेला गर्यो अनि त्यसलाई गुमराह गर्यो अनि आफ्नो दुनो सोझ्या, त्योभन्दा बढी त केही पनि होइन। त्यो बैठक अवैध हो र राजनैतिक निम्नतम राजनीतिक संस्कार पनि नभएका, राजनीतिक संस्कृति पनि नभएका व्यक्तिहरूले प्रवृत्तिले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सानो गुटको भेला गर्न लाग्नु हो। भट्टराईके बैठक अवैध रहल हुनक कथन छ। अध्यक्ष यादव दू तिहाई बहुमत अपना सब संग रहल सेहो दावी कयलनि अछि। कार्यकारिणी बहुमत बहुमत कार्यकारिणी त यही बसिराखेकै छ, उहाँको छजना कार्यकारिणी लिएर उहाँ बसिराख्नु होला। कार्यकारिणी आउनुभयो अनि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भन्नु, अहिले यसो पल्टा धेरैजना सही गर्न बाँकी छ। यहाँ यसो हेर्दाखेरि जसपाको दुई तिहाई बहुमतको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रले के गर्छ? संसदीय दल पनि भएन, केन्द्रीय समिति पनि भएन, कार्यकारिणी पनि भएन, अनि उहाँ जडीबुटीतिर लाग्नु हो। शासक वर्ग द्वारा शोषित सब ऊपर भ रहल भाषा साहित्य संस्कृति तथा पहचान के मिटेबाक काज बंद करेबाक अपन पार्टी के उद्देश्य रहल कहे तो भट्टराय के ई बात मन नहीं पड़ल आरोप समेत लगौलन। शासक जात र वर्गले अढ़ाई तीन सौ वर्ष देखि के गर्यो त भन्दाखेरि ती राष्ट्रियताका सत्ता शक्ति खोसे, तिनको भाषा संस्कृतिलाई मेटाउने, उनको साहित्यलाई मेटाउने र उनीहरूको चरम शोषण गर्ने, पहिचानलाई मेटाउने कार्य गरेको छ। हाम्रो पार्टीको उद्देश्य घोषणा पत्रमा लेखिएको छ, यी राष्ट्रियताकाहरूलाई पहिचान सहित स्वायत्तता र सुशासन दिलाउने र राज्य सत्ता शक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरण गराउने, यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको पार्टी, उहाँलाई यो मन परेको छैन। उत्पीडित विरुद्ध के संघर्ष के मुद्दा अपना सब नै छोड्ने सेहो ओ स्पष्ट कयलनि। डाक्टर बाबुराम के ई बात नै पचल सेहो यादव के आरोप छै। राष्ट्रवादी अनि एक ठाउँ बस्न सकिएन, अब म त हिँडेँ हिँड्न लागेको, झगडा नगरिकन हिँड्न लागेको भनेर उहाँ उठेर जानु। अब हाम्रो पार्टीले यो मुद्दा छोड्न सक्दैन। उत्पीडित जात जाति क्षेत्र र वर्गको उत्पीडनको विरुद्धमा लाइन लड्दै आएको पार्टी यो मुद्दालाई कहिले पनि छोड्नै सक्दैन। अपन सबक राजनीतिक लड़ाई के जातिवादी आ क्षेत्रवादी कहनिहार सब नेपालक घोर नस्लवादी रहल सेहो यादव आरोप लगौलन अछि। लगायतका जुन छ यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ, यो हाम्रो राजनीतिक लडाई, यही नै हाम्रो भावी राजनीतिक लडाई पनि हो। यसलाई कसैले जातिवादी भन्छ,
कसैले क्षेत्रवादी भन्छ भने तिनीलाई ती विचाराहरूलाई भन्नु केही पनि छैन। ती यति मात्रै हामी भन्छौँ, ती भन्ने व्यक्ति घोर नेपालको सबभन्दा बढी नस्लवादी हो। अध्यक्ष यादव अपना ऊपर भट्टराई गलत आरोप सब लोगों ने सेहो बतौलन। डॉक्टर भट्टराय अपने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक में उपस्थित नहीं भेल ओ दावी कलन। पार्टी के कार्यकारिणी समिति से मंत्री हेरफेर आ केंद्रीय समिति के बैठक बजेबाक निर्णय भेल स्पष्ट करते ओ पार्टी में विद्वेष पैदा कर भट्टराय द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाओल गेल आरोप समेत लगौलन। भट्टराय के पुरान हिस्का रहल कहत ओ माओवादी में रहत काल सेहो प्रचंड के हटाव हस्ताक्षर अभियान चलाउने आरोप लगौलन। बैठक बसिसकेपछि सरकारमा हेरफेर गर्ने केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णयलाई संसदीय दलले अनुमोदन गर्यो र सरकारमा हेरफेर भयो। डाक्टर साहबले होइन एक्लै कहीँ निर्णय नै नगरिकन गर्यो भनेर हल्ला लगाए अगाडि, यो अत्यन्त झुटो भ्रममा पार्ने कार्य गर्नु। डाक्टर साहब यो अलिक हस्ताक्षर हुने बानी रहेछ, माओवादीमा हुँदाखेरि पनि उहाँले प्रचण्डजीलाई हटाएर आफू अध्यक्ष हुन हस्ताक्षर गराउनु भएको, त्यो हस्ताक्षर बुझाउन लाग्दाखेरि बैठक बस्नु बाबुरामजीले सही गराएको 18 जनाले हस्ताक्षरकर्ताले उनीका विरोध गरे, त्यसपछि बाबुरामजी उठेर हिँडे, माओवादी पनि छोडेर हिँडे। पिछला समय डॉक्टर भट्टराय के मानसिकता गड़बड़ायल कहत अध्यक्ष यादव गठबंधन में पार्टी के दिस अपन सभक बात मानल जेबा कहत भट्टराय प्रधानमंत्री समक्ष अनुनय कर गेल सेहो बतौलन। उहाँ 3-4 जना आफ्ना समर्थकलाई लिएर बालुवाटार प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो डेलिगेसन भनेर यहाँलाई पनि थाहा ल, संसदीय दल जम्मै कब्जा भयो काठ र केन्द्रीय समितिमा अत्याधिक बहुमत भइसक्यो। अब चाहिँ के हो भने उपेन्द्र यादव दलको नेता र केन्द्रीय अध्यक्ष होइन, अब उसले भनेको मान्नु हुँदैन, मैले भनेको मानौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो। एनाक जसपा अध्यक्ष यादव भट्टराई उपर विभिन्न किसिमके आरोप लगौने अछि। एहिसँ पहिने भट्टराई सेहो काठमाडौँके जमघटमे राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करैत अध्यक्ष यादव उपर विभिन्न आरोप सब लगौने छल। अपन टेलिभिजनक लेल अजय शाह।